मैनेजर साहब, आपके मैरिज ब्यूरो में आते आते मेरी तीसरी पत्नी भी चल बसी है, पर आपने मेरे लिए एक पत्नी नहीं ढूंढी। 3 महीने पहले एप्लीकेशन दी थी मैंने। बीवी ताजी ताजी मरी है। हाँ। जब भी इतना बोल रहे हो। देखो भाई साहब, हमने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अखबार में एड दे दिया, पब्लिसिटी भी कर दी, उसमें लिखवा दिया एक अदद पत्नी चाहिए। अब पता है बोरा भर के खत आया है और सब में एक ही जवाब। क्या? हमारी बीवी ले लो। जी। हाँ देखो ना, घर में नौकर ना हो तो कितनी तकलीफ होती है। तुझे कैसे पता होगा, तेरा पति तो है, मेरा तो वो भी नहीं है। ऊपर से 3-3 बच्चों को संभालो। यार मैं तो बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सास को रखूँ या नौकरानी को। जरा मुझे बता देना प्लीज। ओके बाय। गुड आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग। तो आज फिर ले। शुक्ला जी, जब से घंटी के पापा मरे हैं तब से बंटी शंटी घंटी तीनों को मुझे ही संभालना पड़ता है। उन्हें जल्दी जगा, उन्हें जल्दी तैयार करो, नाश्ता करो, स्कूल भेजो, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। उषा जी, ये बात आपने अपने दूसरे पति शंटी के पापा के मरने पे कही थी और यही बात आप अपने तीसरे पति के मरने पे कह रही हैं। जब दूसरा पति मरा था तब 2 ही बच्चे थे ना पांडे जी। उषा जी, देखिए आपने अपने पहले पति की 13वीं पे जो दावत दी थी ना, उसका कोई जोड़ नहीं है। आज भी याद आती है तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है ना, वो पहले पति की 13वीं थी ना। हाँ। अब 3-3 पति मरने के बाद चांद खत्म हो गया है। 3 क्या, 4th और 5th भी मर जाएगा उषा जी। क्या? जय श्री कृष्ण। ये पटेल पंडित की गणना है। आप क्या है, आप मंगली हैं और मंगली लड़की की शादी मंगली लड़के के साथ ही होनी चाहिए, वरना 1 साल में ही लड़का लुढ़क जाता है। जय श्री कृष्ण। तो फिर ऐसा लड़का ढूंढो ना। लड़का आदमी भी चलेगा, बूढ़ा भी चलेगा, पर वो जो मेरे बच्चों को बाप का प्यार माँ की तरह दे सके। अरे कमाल है, ऐसा स्वागत तो मेरा आज तक किसी ऑफिस में हुआ ही नहीं। वाह। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब आपके मैरिज ब्यूरो में कोई आए तो उसका इस तरह से स्वागत करते हैं आप? ना ना ना, फूल गिरते हैं ऊपर से, देखिए आप पर भी तो गिरे हैं फूल। नहीं वो तो गिरे हैं, लेकिन ये पान की पीक अगर गिर जाती तो? अरे भाजा, पान की पीक कभी ऊपर से नहीं गिरती, हमेशा राइट या लेफ्ट। नहीं नहीं, अगर फूलों की तरह मेरे ऊपर गिर जाती तो? भाई साहब आप देखिए, पान की पीक और फूलों के गिरने को कंपेयर मत कीजिए। आप फूलों के नीचे जाएंगे ना तब वो ऊपर से गिरेंगे। पान की पीक कहीं भी गाय बगाए गिर जाती है, आप पर तो नहीं गिरी कहीं। नहीं बस बाल बाल बच गया। कहिए यहाँ कैसे आना हुआ? जी वो बात ये है कि मैं सुबह निकला तो था बच्चों का एडमिशन कराने के लिए स्कूल में, लेकिन उनको एडमिशन मिला नहीं। माय डियर फ्रेंड, गुरु द्रोणाचार्य ये एडमिशन की जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ एडल्ट एजुकेशन होता है। हाँ हाँ मुझे पता है। तो मैं यहाँ पे बच्चों का एडमिशन कराने के लिए नहीं आया हूँ। बच्चों को कहाँ लेके आया हूँ साथ में? मैं तो वो मेरी कुछ मजबूरी है, उसकी वजह से आया हूँ। क्या मजबूरी है आपकी, हमें बताइए। ये बात यह है कि 1994 में मेरी शादी हुई थी। 1996 में मेरी हुई थी। फिर 1995 में मेरा सोनू पैदा हुआ। हमारे यहाँ पप्पू। 1995 में? जी। ये पर आपकी शादी तो 1996 में हुई थी, तो 1995 में पप्पू कैसे पैदा हो गया? अरे ये बड़ा खानदानी लफड़ा है, खैर छोड़िए आप आगे बढ़िए ना। फिर 1996 में मेरा मोनू पैदा हो गया और फिर 2000 में। हाँ इतने साल बाद। नहीं कुछ हुआ नहीं। क्यों? मतलब मेरी पत्नी चली गई। कहाँ चली गई? वो भगवान के पास चली गई, मतलब मर गई। कैसे गुजरी भाभी जी? ऐसे बस सड़क पे चले जा रहे थे हम, बस से टकरा गई। नहीं बस से बच के वो आगे निकली तो कार भी कुचल गई। नहीं कार से बचने के लिए उन्होंने फुटपाथ पर जंप किया तो वहां पे कुत्ता सो रहा था, उसने उनको काट लिया। कुत्ता पागल हो गया होगा ना? नहीं कुत्ता तो पागल नहीं हुआ, लेकिन मेरी पत्नी पागल हो गई और बहुत तकलीफ सहने के बाद वो मर गई। मेरी पत्नी ना भाटा बचपन से ही पागल है। पांडे जी आपको फॉर्म देंगे, आप फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस जो है भाटिया साहब के पास जमा कर दीजिए और मुझे मेरा कमीशन दे दीजिए। आपका कमीशन? अरे भाई आप इतने देर से मेरा दिमाग खा रहे हैं तो हमें पान खाने के लिए तो कुछ दीजिएगा ना। कितना? कुत्ता ही दे दीजिए 2 दिनों के लिए उधार। ठीक है, आप कल सुबह ऑफिस आ जाइए। ये पाणी जी कहाँ मिलेंगे? ये आपकी पहली शादी है? आप बिल्कुल कुंवारी हैं? जी सर, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। कुसुम कुमारी 5000? क्या
5,000। अरे लेकिन सर आपने तो कहा था कि आपकी फीस 3,000 है। नहीं, फीस 3,000 रुपए है, 2,000 रुपए आपको कुंवारी साबित करने के। लेकिन मैं तो अभी तो कुंवारी ही हूँ। साबित तो करना ही पड़ेगा। पांडे जी, साबित करने की क्या जरूरत है, मतलब ये तो हर तरफ से कुंवारी लग रही है। आप कुंवारे हैं? जी नहीं, मैं तो दो बच्चों का बाप हूँ। तो फिर आपकी दाल नहीं गलेगी, इनको बिल्कुल कुंवारा पति चाहिए। आप जाइए भाटिया जी के पास, 3,000 रुपए दे के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लीजिए, जाइए। ओके सर। बैठिए। हाँ जी पांडे जी, आपको क्या चाहिए? मुझे पति ही चाहिए। नाम? नाम मुसद्दीलाल रोशन। ऋतिक रोशन के भाई हो? जी नहीं। आपकी कितनी लोग आई थी? एक थी। क्या वो गाना गाती थी? जी जी नहीं। क्या वो रोज नहाती थी? जी हाँ शायद। साबुन कौन सा लगाती थी? कोई भी। पिक्चर देखने जाती थी? जी बहुत। खाना खूब खाती थी? हाँ काफी। ठीक से पचाती थी? ठीक से पचाती थी। नहीं, अब आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं सारे? अरे आपकी बीबी के बारे में जानकारी ले रहे हैं ताकि आपके टेस्ट का पता लगे और आपको कैसी बीबी चाहिए। पांडे जी, मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे दो प्यारे बच्चों की माँ बन सके। माँ? पांडे जी ना, मैं समझ गया। बस एक आखिरी सवाल, आप ये बताइए कि आपकी बीवी की डेथ कैसे हुई, इसकी पूरी जानकारी शॉर्टकट में, डिटेल से। क्यों? अरे आपके होने वाली पत्नी को बताने के लिए कि कहीं आपने अपनी पहली बीवी को दहेज के चक्कर में तो नहीं मार दिया। नहीं नहीं नहीं, दहेज के चक्कर में नहीं, मैं तो वहां पे था भी नहीं जब उसकी डेथ हुई ना, तो उस वक्त मैं शॉर्टकट में, डिटेल से। बस से बची, कार से बची, कुत्ते ने काट लिया, मर गई और मेरे बच्चों को छोड़ गई। तो आप क्या चाहते हैं कि बच्चों को भी साथ ले जाती? अरे नहीं नहीं, वो दोनों तो मेरी आंख के तारे हैं। वो कुत्ता है आपके पास? जी हाँ। तो फिर आप क्यों हैं उदास? ये लीजिए फॉर्म, 3,000 रुपए भाटिया जी के पास जमा करा के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लीजिए। जी सुनिए, वो कुत्ता एक दिन के लिए हमारे पास। पांडे जी, कुत्ता पहले मेरे पास। ये देखो ये लड़का चलेगा? ये? अरे ये तो बहुत अच्छा है। हाँ ये देखो, ये एकदम क्यूट बच्चा सा है। हाँ नहीं, ये हंसता है ना, इसके दांत बहुत खराब लगते हैं। अरे शादी के बाद नहीं खराब लगेंगे? ऐसा क्यों? अरे शादी के बाद इसको हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये फोटो लेके आप पटेल साहब के पास जाइए, वो आपकी कुंडली मिला देंगे। जाइए जाइए। आइए आप आइए। पत्नी? अरे वाह, मतलब मुझे देखते ही आपको कैसे पता चल गया कि मुझे पत्नी चाहिए? ऐसे ही भांप लिया। फॉर्म लाइए। ये लीजिए फॉर्म, और ये मैंने पहले से गिन के रखे हुए हैं, ये पूरे 3,000 हैं। मुसद्दी लाल रोशन? अरे कहीं वो आप... नहीं नहीं, ऋतिक रोशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। राकेश रोशन को मैंने कभी देखा नहीं और राजेश रोशन के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं। भाई साहब आप तो हार्ड हो गए। मैं तो इसीलिए कह रहा था कि अगर आप उनसे कनेक्टेड होते तो आपका ही फायदा होता। अच्छा कैसे? अरे भाई आजकल शादीशुदा हो या कुंवारी, सारी सारी वही जा रही है। अच्छा तो एक काम कीजिए, आप लिख दीजिए कि आप उसके दूर के चाचा के लड़के हैं या चाचा हैं या कुछ। नहीं नहीं, मगर अगर कहीं कुछ अगर मगर क्या कर रहे हैं, आपकी तो शक्ल भी इतनी मिलती है उनसे। अच्छा ठीक है, फिर आप ही लिख दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं ही लिख देता हूँ। ओके, तो सेकंड वाइफ? जी सेकंड वाइफ। फर्स्ट वाइफ जो है पहले बस से बची, फिर कार से बची और फिर कुत्ते ने इतनी बुरी तरह से काट लिया उनको कि वो 6 महीने पागलखाने में रही और उसके बाद वो मर गई मेरे दो प्यारे बच्चों को छोड़कर। भाई साहब ये कुत्ता चाहिए, भाई साहब ये कुत्ता चाहिए। देखिए कुत्ता बहुत ज्यादा डिमांड में है, आपको शुक्ला जी और पांडे जी के बाद मिल सकता है। ओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जहाँ इतने साल वेट किया है थोड़े दिन और सही। तो बताइए कैसी चलेगी? जी मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे बच्चों को पत्नी का प्यार दे और मुझे माँ का। है जी? नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे मुझे पत्नी का प्यार दे और मेरे बच्चों को माँ का। हाँ तो ये बताइए कि न्यू ब्रांड या सेकंड हैंड? मेरा ख्याल है सेकंड हैंड ही चलेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए ना। हाँ। बच्चों को पालना है तो एक्सपीरियंस चाहिए ना, इसलिए। ठीक है ये लीजिए, ये सुष्मिता है, एकदम सेकंड हैंड है जी। लेकिन इसकी डिमांड है। क्या? ये रोटी नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी रोटी? नहीं नहीं, उसका कहना यह है कि रोटी आप बनाएंगे, वो आपको अपने हाथों से खिला देगी। ये है ऐश्वर्या, ये रात को लेट आया करेगी। और ये है लारा, ये अपने साथ 4 बच्चों को लाएगी, आपको ही पालने पड़ेंगे। और ये है डायना और ये है युक्ता। बोलिए, ये सब एक्सपीरियंस है, आपको कौन सी पसंद है? जी वैसे तो मुझे सारी की सारी पसंद है, लेकिन पता नहीं ये मेरे बच्चों को पाल पाएंगी कि नहीं। अरे पालेगी भाई पालेगी, ये तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो अपनी वाइफ को कैसे रखता है। लेकिन ऐसा ना हो ना कि शादी के बाद ये सारी की सारी मिस वर्ल्ड बनने चली जाए। ओहो नहीं, देखो अगर ज्यादा तंग करेगी तो वो कुत्ता, कुत्ता तो है ही आपके पास। हाँ कुत्ता तो है, बहुत डिमांड में है, रोज सुबह भाड़े पे लेके जाता हूँ उसको। तो ये फोटो ले जाओ और पटेल साहब के पास चले जाओ। ये पटेल साहब कौन है? अरे पटेल साहब हमारे मैरिज ब्यूरो के पंडित है, वो आपकी कुंडली फटाफट मिला देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या
घड़ा गिर गया। जय श्री कृष्ण। अरे ये तो ठीक है, ये तो बहुत ठीक है। इसकी पहली शादी मैंने ही कराई थी, इसकी दूसरी में मैं नहीं था, और इसकी तीसरी मेरे ही हाथों हुई थी। अरे वाह तू, इसकी चौथी तो मुझसे ही हुई थी। आपकी भी हो जाएगी। बोलो किसके साथ शादी करनी है आपको? नहीं वैसे तो इनमें से कोई भी चलेगी पंडित जी, दरअसल मुझे एक पत्नी से ज्यादा एक माँ चाहिए, मुझे एक माँ की जरूरत है पंडित जी। ओ तो पिताजी से पसंद कराना था ना, खुद क्यों कर रहे हो? पिताजी पसंद नहीं कर सकते। क्यों, उनका टेस्ट अच्छा नहीं है? नहीं टेस्ट तो उनका बहुत अच्छा है, लेकिन वो चले गए हैं। कहाँ गए हैं? आउट ऑफ स्टेशन जी। वो ऐसे स्टेशन पर गए हैं जो किसी भी गाड़ी का आखिरी स्टॉप होता है। चर्च गेट जी, बोरीवली, विराट। अरे तो ऐसा कौन सा स्टेशन है भाई, कल्याण, मानखुर्द? उन्होंने नीचे से गाड़ी पकड़ी और वो ऊपर चले गए। ढ्याव हो गए हैं जी, मर गए हैं। ओ जय श्री कृष्ण। तो क्या कब से स्टेशन के नाम गिनवा रहे हो मुझसे? भाई पिताजी नहीं है तो माँ क्यों चाहिए खामखा? जी मुझे अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए, मेरी बीवी मर गई है, उनके लिए माँ चाहिए, बच्चों के लिए। ओ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बीमार थी? जी नहीं। एक्सीडेंट हुआ था? जी। बस से? बस से तो वो बच गई थी। ट्रक से? ट्रक उससे बच गया था। तो कार? कार से बच के जब उसने जंप किया ना तो सामने कुत्ता आ गया। ओ कुत्ते के नीचे आकर मर गई? जी नहीं, कुत्ते के नीचे आकर नहीं मरी, कुत्ते ने उसे काट लिया और वो मर गई। और वो कुत्ता आपको भाटिया साहब के बाद मिलेगा। मुझे मुझे क्या, मैं क्या करूंगा कुत्ते का? वही जो शुक्ला जी, पांडे जी और भाटिया साहब करेंगे। वो क्या करेंगे? अपनी बीवी को कटवाएंगे। हैं? तो मैं क्यों कटवाऊं? अरे मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, पांचवी। आई एम फाइनली हैप्पीली मैरिड नाउ। पहला आदमी देखा है जिंदगी में मैंने जो अपने आप को मैरिड भी कह रहा है और हैप्पी भी कह रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप भी हो जाएंगे हैप्पीली मैरिड, बस नक्षत्र सही मिलने चाहिए। आपकी कुंडली कहाँ है? जी कुंडली तो मैं लेकर नहीं आया। तो कोई बात नहीं, घर जाकर लेकर आइए, फिर जिसके भी साथ कुंडली मिल जाएगी आपकी, उसी के साथ शादी करा दूंगा आपकी। लेकिन अगर नहीं मिली तो? कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना। कुंडली और दक्षिणा दोनों लेकर आना जी। लटक गए मुसद्दी बाबू। आ जाओ बेटा सोनू और मोनू, बस हम यहाँ पे जाएंगे, मैं पंडित जी को कुंडली दूंगा और तुम्हें एक नई माँ मिल जाएगी, मेरे बच्चों की नई माँ। अरे 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 अरे, पूरे खानदान की एक साथ बना ली थी क्या? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मेरी है, बस आप जल्दी से देखिए और ये बताइए कि किससे मेरी शादी हो सकती है, ऐश्वर्या से, युक्ता से, डायना से, लारा से, सुष्मिता से, किससे, कौन मेरे बच्चों की माँ बनेगी? जी अभी देखता हूँ। आपका जो राहु जो है वो केतु के पास बैठा है, आपका मंगल जो है वो बुध के घर में है, और आपका शुक्र शनि के घर में है, और आपका बृहस्पति, नहीं नहीं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, आपका बृहस्पति, नहीं नहीं नहीं, आपकी शादी किसी के साथ भी नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं आप, किसी के साथ भी नहीं हो सकती? किसी के साथ भी नहीं हो सकती। ऐसा मत कीजिए पंडित जी, मेरे बच्चे बेचारे अनाथ हैं, मुझे तो पत्नी की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको तो एक माँ दिलवा दीजिए प्लीज। पर हमारे यहाँ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप अपनी बिरादरी वालों से पूछिए, जान पहचान वालों से पूछिए। नहीं, जान पहचान वालों से पूछा है मैंने, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे पत्नी देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों भाई? भाई वो मुझे जानते हैं ना, मतलब मैं सब जगह माथा मार चुका हूँ, लेकिन सब जगह से हार के यहाँ आपके पास मैरिज ब्यूरो में आया। मुसद्दी लाल जी, हाँ जी। देखिए आपका छोटा बेटा क्या कर रहा है, हमारी सारी फाइलें बर्बाद कर रहा है भाई। नहीं नहीं शुक्ला जी, वो मेरा छोटा बेटा नहीं है, वो मेरा बड़ा बेटा है। छोटा बेटा तो पटेल साहब का छाता तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, रोकिए उसे वरना दो बातें हो जाएंगी। ना ना दो बातें मत कीजिए, मैं बस रोकता हूँ ना। बेटा मोनू सोनू इधर इधर आओ, बेटा आ जाओ, मेरा बच्चा आ जाओ, आ जाओ इधर सोनू। ये आपके बच्चे हैं? जी हाँ ये मेरे बच्चे हैं। कितनी बापता है आप में? हैं जी? मतलब माँ से ममता हुई तो बाप से बापता होती है ना? माँ की ममता ना मिले तो बाप की बापता देनी पड़ती है ना? क्यों, इनकी माँ जी मर गई। वेरी गुड,
कैसे रहते होंगे ये बच्चे माँ के बिना? इन्हें माँ की सख्त जरूरत है। बस इनकी माँ की तलाश में तो आया हूँ मैं यहाँ। तो मिली क्या? शायद हाँ। क्या हुआ मिली? पंडित जी कुंवारी है। विधवा। सेकंड हैंड मतलब? थर्ड। अच्छा ये बताइए, रोज नहाती है? ना। साबुन कौन सा लगाती है? पता नहीं। बहुत ज्यादा खाती है? हाँ। ठीक से पचाती है? हाँ। यहाँ आसपास कोई बैंड है? हाँ। अरे तो मंगवाइए ना, जल्दी से बैंड बजवाइए ना, पटेल साहब कहाँ है? उसका नाम मुसद्दी है पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है नहीं थी, देखा नहीं वो अपने बच्चों को कैसे बाप की बापता दे रहा था। पटेल जी मेरे बंटी शंटी घंटी को वही संभाल लेगा। वही है वो, वही है वो, वही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। अरे पर मैडम। नहीं पर वर कुछ नहीं, आप कुंडली मिला दीजिए। देख क्या रहे हैं पंडित जी, जल्दी से मिला दीजिए। नहीं मिलती। अरे कैसे नहीं मिलती? अरे भाई आपकी कुंडली में जो है वो उनकी कुंडली में नहीं है। तो डाल दीजिए ना। क्या? वही जो उसकी कुंडली में है और मेरी में नहीं है। अरे भाई आप क्यों जान गवाना चाहते हैं? दिल दिया है जहाँ भी देंगे है सनम तेरे लिए। पंडित जी मुझे वो हो गया है जो मुझे पहली पत्नी के साथ नहीं हुआ था। क्या? इश्क, प्यार, लव, मोहब्बत, बस आप कुंडली मिला दीजिए। अरे मुसद्दीलाल जी आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? अरे देखो मान जाओ वरना दो बातें होंगी, या तो शादी के बाद आप सुख से रहोगे या तो रहोगे ही नहीं। शादी के बाद कोई सुख से रहा है भला? नहीं। और अगर नहीं रहे तो दो बातें होंगी, या तो उषा जी आपके बच्चों को पालेगी या तो नहीं पालेगी। उषा जी अपने बच्चों को भी पालती नहीं, आपके बच्चों को कैसे पालेगी वो? और अगर नहीं पाले तो दो बातें होंगी, या तो आपके मासूम बच्चे अनाथालय में पलेंगे या तो इन्हें कोई गोद ले जाएगा। गोद ले गया तो ठीक, मगर अनाथालय में गए तो? अरे यार क्यों मासूम बच्चों को अनाथालय में भेजना चाहते हो? कहीं और शादी क्यों नहीं कर लेते आप? देखिए पंडित जी अभी भी तो अनाथालय की तरह ही पल रहे हैं, शादी के बाद ऐसे पलेंगे तो कम से कम आपका तो फायदा होगा। हाँ ठीक है, अभी आप मानते ही नहीं तो लाओ दो। क्या कुंडली? नहीं दक्षिणा। कितनी? नहीं नहीं नोट नहीं चाहिए मुझे। तो वो कुत्ता जिसके काटने से आपकी बीवी मरी थी? क्या? आप फिर ऐसी कुंडली मिला दूंगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। पर आपने तो कहा था कि आपकी नई नई शादी हुई है एंड यू आर हैप्पीली मैरिड। मगर उस बात को 3 दिन हो गए हैं और अब जरूरत कभी भी पड़ सकती है। हाँ ये बात तो बोलो कब दे रहे हो कुत्ता? देखिए फिलहाल तो 1 हफ्ते के लिए वो कुत्ता ओवरबुक्ड है, लेकिन उसके बाद मैं आपके घर आके उसका पट्टा बांध दूंगा। ठीक है तो उसके 1 हफ्ते के बाद मैं आपके गले में बांध दूंगा। क्या पट्टा? ओम मुसद्दी स्वाहा स्वाहा। ओम मुसद्दी स्वाहा स्वाहा। ओम उषा जी वाह वाह। ओम उषा जी वाह वाह। शमशान गच्छमी मुसद्दी अंतिम संस्कार संपन्न। अरे अरे पटेल साहब ये क्या मंत्र पढ़ रहे हैं आप? ये शादी के मंत्र पढ़ रहे हैं जी। नहीं नहीं ये शादी, मेरी पहली शादी में तो ऐसे मंत्र नहीं पढ़े गए थे। मेरी पहली 3 शादियों में यही मंत्र पढ़े गए थे। नहीं नहीं ये मंत्र तो पढ़े गए, ये मंत्र पढ़े गए थे जब मेरी बीवी मरी थी तब। वो जिसे कुत्ते ने काटा था? हाँ। अरे पटेल साहब आप गलत मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? पटेल साहब दूर की सोच रहे। मतलब? मतलब अगले साल इनको फिर से यही मंत्र ना पढ़ना पड़े ना। क्यों? क्योंकि मेरी हर शादी के 1 साल बाद मेरा हर पति मर जाता है। मगर क्यों? क्योंकि मैं मंगली हूँ ना। तुम मंगली हो? हाँ, शुक्र है भगवान का कि तुम भी मंगली हो वरना तुम भी मर जाते। नहीं नहीं मैं मंगली नहीं हूँ। क्या? हाँ। लेकिन पटेल जी ने तो कहा था कि तुम मंगली हो। नहीं वो क्या है ना, इन्होंने ही कहा था कुंडली मिलाने के लिए। कहा था कि नहीं कहा था? नहीं वो तो मैंने कहा था, लेकिन तुमने कहाँ बताया कि ये मंगली है? आपने मौका कब दिया मुझे? लेकिन अब क्या होगा? कुछ नहीं, साल भर के बाद टाइम बोल जाओगे। उषा जी इस बार 13वीं की पार्टी किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में करेंगे। मैडम विद बोनस, विद बोनस। देखिए 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 पटेल जी कुछ कीजिए, पटेल साहब कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा भाई? ए तुम्हारे बच्चों का क्या, तुम मर गए तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि वो फेरे जो है वो उल्टे पढ़वा दिए जाएं? क्या? अच्छा वो कुत्ता, मेरा कुत्ता, मेरा कुत्ता, मेरा कुत्ता दे दीजिए मुझे। भाई कुत्ते के लिए तो फॉर्म भरना पड़ेगा, हम रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, 2-3 साल के बाद आपका नंबर लग जाएगा। अगर 2-3 साल के बाद नंबर लगेगा तो ये तो मंगली है, मैं तो साल भर के अंदर टैम बोल जाऊंगा। ओम मुसद्दी स्वाहा।